हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ममता शर्मा दिल्ली ब्लॉगर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की हमारी रेसिपी है चने की दाल की पकौड़ियों की सब्जी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। आइए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चने की दाल की पकौड़ियां बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल को 4 घंटे पानी में भिगो दिया था और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। आप देख सकते हो इस तरीका से मैंने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है और इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दिए। नमक है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तो तेल मैंने डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है हमारा। तो यहाँ मैंने ये 1 बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए, इनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इधर तेल हमारा गर्म हो रहा है तो हम इसको पेस्ट को अच्छे से हम फैट लेंगे। आप इसे जितना ज़्यादा अच्छे से फैटेंगे आपकी पकौड़े इतनी ही सॉफ्ट बनेंगी। तो आप अच्छे से इसे फैट लें। तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से फैट लिया है। तो इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ छोड़ देंगे। आप छोटे बड़े साइज में, जैसे साइज में आप पसंद करते हैं उस तरीका से आप पकौड़ियाँ सेक सकते हो। तो मैंने इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल दी हैं, काफ़ी सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं मैंने इसमें। और इन्हें हम नीचे से अच्छे तक सिकने तक देखेंगे, उसके बाद हम इसे चेंज कर देंगे। तो मैंने इसे चेंज कर दिया है, नीचे से अच्छे से सिक गई हैं ये। तो पकौड़ियाँ हमारी अच्छे से सिक गई हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मैंने पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए। तो इसी तरीका से हम सारी पकौड़ियों को सेक लेंगे। तो हमारी सारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक गई हैं, तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारी पकौड़ियाँ सिककर हो गई तैयार, ये देखिए करारी करारी एकदम से। और ये ऐसे भी खाओगे आप तो अब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चाय के साथ खाओ, चटनी के साथ, तब भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो कढ़ाई में से हमने तेल को कम कर लिया है और इसमें 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरे को हम चटकने देंगे और अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं। तो मैंने इसमें प्याज को डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, लगातार चलाते रहना। तो हमारी प्याज का कलर अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसमें ये 2 मैंने हरी मिर्च लिए हैं, इनको बारीक काट के इसमें डाल दिया है। तो प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है, तो इसके अंदर हम ये घिसे हुए टमाटर डाल देंगे। अच्छे से इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हमने इसमें हरी मिर्च भी डाले हैं, 1/2 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और यहाँ 1 बड़ा चम्मच भर के हमने सब्जी मसाला डाला है। ये हमने घर पे ही बनाया हुआ है। तो ये सारे मसाले इसमें डालकर हम अच्छे से इन्हें भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि मसाले को आपको बहुत अच्छे से भूनना है। आप जितने अच्छे से मसाले को भूनोगे इतना ही अच्छा सब्जी में टेस्ट आएगा। तो हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, भून गया है, कलर चेंज हो गया है और इसमें ऑयल भी नज़र आने लगा है। तो हमारा मसाला बिल्कुल भूनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप इसमें इतना पानी डाल सकते हैं।
तो मैंने अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसको ढककर रखेंगे उबाल आने तक। इसमें अच्छे से उबाल बुलाना है हमें। तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक रही है। तो अब हम इसके अंदर पकौड़ियों को डाल देंगे और पकौड़ियों को हम मिक्स करके अच्छे से और इसे पकने के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे फिर। तो मैंने ढक दिया है, तो 5 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं। तो हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है। हम इसको अच्छे से फिर चला देते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स कर देंगे और इसे फिर हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। तो अब थोड़ी देर बाद हम इसको फिर से देखेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बनकर हो गई, बिल्कुल तैयार। इसमें ऑयल भी अच्छे से नज़र आने लगा है, तो बहुत अच्छे से पक गई है हमारी सब्जी। तो हम गैस को कर देते हैं बंद। तो कलर भी बहुत अच्छा आ गया सब्जी में, आप देख सकते हो, देखने से ही पता लग रहा है सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी है हमारी। तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो फटाफट से हमारी चने की दाल की पकौड़ियों की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है चने की दाल की पकौड़ियों की सब्जी। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कितनी टेस्टी सब्जी है। तो सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी सब्जी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और अपनी फैमिली में बनाकर सबको खिलाइए, सभी की तारीफ पाइए। थैंक यू।